आजकल विद्यार्थियों में दिन पर दिन मोबाइल फोन की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से विद्यार्थी अपने रास्ते से भटक रहे हैं, साथ ही पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान घटता जा रहा है। इस बारे में उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर उच्च विद्यालय ने एक सख्त कदम उठाया है। हाल ही में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का टेस्ट परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा केंद्र में छात्र छात्राओं फोन ना ले जा सके, इसके लिए शुक्रवार को सभी विद्यार्थियों की बैग का निरीक्षण किया गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा अपनाई गई इस कदम से विद्यार्थियों के अभिभावक काफी खुश नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को 40 विद्यार्थियों के बैग को सर्च करने के दौरान शिक्षकों ने कई मोबाइल फोन को बरामद किया है। वहीं विद्यार्थियों से मोबाइल लेकर जमा रखने पर विद्यार्थियों ने इसका जमकर विरोध किया, साथ ही वे इस्लामपुर के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों तक जाम रखा। वहीं इस घटना की जानकारी इस्लामपुर थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिस्थिति पर काबू पाया। वहीं वहां पहुंचे इस्लामपुर नगर निगम के पार्षदों ने विद्यार्थियों को इस शर्त पर फोन वापस दिया कि वे दोबारा स्कूल में फोन का इस्तेमाल ना करें। এই সিস্টেমটা অনেক দিন আগেই দরকার ছিল। বাকি অবশ্যই স্যার, একদম একদম ঠিক করেছে। আমি ওদের বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা মোবাইলগুলো নিয়ে এসেছে, তারপরে মোবাইলগুলো নেওয়ার পরেও ওরা পথ অবরোধ করলো। সেই জন্য আমি আজকের থেকেই ওদের গেটেই মোবাইল যাতে না নিয়ে ঢুকতে পারে সেই জন্য সার্চ করছি, এবং সার্চ করে এক একজনকে আমি ঢোকাচ্ছি।